हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूँ आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का वीडियो आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर है। जैसे कि आपने काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट करी है कि मैं अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर करूँ, किस तरीके से काम करता हूँ, क्या नफा नुकसान मुझे होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज दोस्तों शेयर करेंगे अपना पोर्टफोलियो आपके साथ में और देखेंगे कि भैया पिछले एक महीने के अंदर कितना नफा या कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या पोर्टफोलियो के अंदर है जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले कि ट्रेडिंग के अंदर रियलिटी में पैसा कमाया जा सकता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि क्या है ये पोर्टफोलियो। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं और ये खुल गया है मेरा प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा के ऊपर ही मैं भी काम करता हूँ और आपको भी इसी के ऊपर ही रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम होल्डिंग्स देख लेते हैं कि होल्डिंग्स क्या क्या है। तो करंटली जो होल्डिंग्स है दोस्तों, ये है हमारे पोर्टफोलियो में और इसको हम एक एक करके एनालाइज करेंगे कि पोर्टफोलियो की क्या खासियत है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और उसकी डिज़ाइनिंग चेक कर लेंगे ताकि आपको मदद मिले। तो बेसिकली दोस्तों, मेरा काम करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स सेलेक्ट करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स होने चाहिए, यानी टॉप 10 कंपनियाँ या 20 कंपनियों में से स्टॉक्स होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद भी कंडीशन एक और है, वो कंडीशन क्या है कि मैं इनकी इंडस्ट्री यानी जो सेक्टर है वो सेक्टर भी अलग अलग होना चाहिए। भाई टॉप स्टॉक्स तो होने ही चाहिए लेकिन सेक्टर वाइज अलग अलग होने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि SDFC बैंक ले लिया तो सारे स्टॉक्स बैंक के ही रख लिए, है ना, SBI रख लिया, कोटेक रख लिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कैटेगरी को भी ना बदलना है, यानी कैटेगरी भी आपकी कम से कम अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक सेक्टर नहीं चल रहा तो दूसरा सेक्टर चल जाए उसके साथ, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अलग कैटेगरी का हो गया, L&T एक अलग सेक्टर हो गया, ONGC एक अलग सेक्टर हो गया, रिलायंस एक अलग सेक्टर हो गया। तो मेन जो सिलेक्शन है वो ये है कि एक तो टॉप स्टॉक्स होने चाहिए, टॉप कंपनियां होनी चाहिए, साथ में ये अलग अलग सेक्टर पे होने चाहिए। दूसरा, अगर आप बात करेंगे इस पोर्टफोलियो में जो मुझे पसंद है, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ETF दिखाई देंगे। तो ये दोस्तों सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का कोई भी रूल नहीं लगने वाला। यहाँ पर सिर्फ जो खरीदा जा रहा है ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे ETF आपको दिखेंगे, जैसे कि ये देखिए SBI ETF क्वालिटी वाला ETF है, ये है निफ्टी 50 का ETF है, ये निफ्टी नेक्स्ट का जो इंडेक्स है उसका ETF है, और ऊपर आपको एक CPSE ETF दिखाई देगा। इसके बारे में बताऊंगा, मैंने आज तक आपको बताया नहीं है CPSE ETF के बारे में, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और ये हमारा बैंक का ETF है, निफ्टी बैंक का ETF है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो है आधे आपको ETF मिलेंगे, आधे आपको स्टॉक्स मिलेंगे। यहाँ पर जो काम करने का तरीका है वो बड़ा रिलायबल रहता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स जुड़े हुए हैं ETF के अंदर, कोई एक कंपनी काम नहीं कर रही है, अगर एक डूबती है कोई दूसरी उसकी जगह ले लेगी। तो यहाँ काम करना बड़ा रिलायबल रहता है, बड़ा इजी रहता है। हालांकि वॉलेटिलिटी कम रहेगी स्टॉक्स के मुकाबले, लेकिन मुनाफा आना चाहिए। भाई कहीं से तो मुनाफा आता रहे। अगर कोई स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल्ड है, ज़्यादा एकदम गिर जाए, तो मान लेते हैं कि उसने मुनाफा नहीं दिया, लेकिन यहाँ एक अश्योरेंस रहती है कि कहीं थोड़ा थोड़ा पैसा बनता रहे ताकि एक मोटिवेशन लगे। अगर आप देखेंगे इस पोर्टफोलियो में ज़्यादातर आपको प्रॉफिट्स देखेंगे और बहुत ही कम आपको ऐसा देखेगा जिसके अंदर अभी करंटली लॉस चल रहा है। ये प्रॉफिट बुक नहीं किए गए, अभी करंटली चल ही रहे हैं, तो इन पे भी एक बार नज़र डाल लीजिए। जैसे कि CPSE ETF अभी 1% पे अभी मेरा टारगेट नहीं आया है इसका, कम से कम 5% का मेरा CPSE ETF का टारगेट होता है, तो 5% चाहिए। और अगर हम देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका भी टारगेट नहीं आया है, इसका टारगेट आने वाला है। ये रिसेंटली अभी 10% का जैसे ही मुनाफा देगा ये एग्जिट हो जाएगा। और ये देखिए ITC, और ये देखिए जूनियर 20, ये अभी नहीं आया मुनाफा। कोटेक बैंक ETF दोस्तों टारगेट आ गया लेकिन क्वांटिटी बड़ी कम थी, तो मैं सोच रहा थोड़ा सा इसको एवरेज कर लिया जाए ऊपर की तरफ और मुनाफा को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आएगा ना जिस दिन, मैं उस दिन क्वांटिटी इंक्रीज करूँगा, राइट। तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं जो करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर रिलायंस का भी टारगेट नहीं आया, रिलायंस के काफ़ी टारगेट बुक हो चुके थे पीछे, ये अभी रिसेंटली एक बाइंग की गई थी तो वो दिखा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे ये क्वालिटी वाला जो ETF है उसका टारगेट अभी नहीं आया है, और ये जो निफ्टी 50 इसका टारगेट आने वाला है, इसको मैं 12,000 आने से पहले यानी 12,000 के आसपास जैसे ही आएगा तो मैं एग्जिट करूँगा एक बार। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा अपना
व्यू है, मैं ये नहीं कहता कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो ये भी 5% का जैसी आएगा वैसी इससे एग्जिट हो जाऊंगा। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा पोर्टफोलियो जो अभी करंटली आपको दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं पिछले एक महीने के प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा था। तो ये दोस्तों आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, जो पिछले एक महीने की है यानी आज की तारीख से, मतलब आज नवंबर की स्टार्टिंग है, नवंबर की स्टार्टिंग से सीधा अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये पूरा स्टेटमेंट है जिसमें आपको दिख रहा है प्रॉफिट कितना आया है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर जो नेट रियलाइज प्रॉफिट है यानी जो प्रॉफिट मैं बुक ऑलरेडी कर चुका हूँ वो लगभग 2500 है, और जो प्रॉफिट मैंने अभी बुक नहीं करा है ये अभी बुक हो जाएगा रिसेंटली, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इतना इतना इनका टारगेट है, जैसे ही ये टारगेट पे पहुंचेंगे तो मैं बुक करूंगा। तो आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि 5K का आप प्रॉफिट मान सकते हैं कि पिछले एक महीने में जो प्रॉफिट है वो 5K के अप्रोक्स रहा है। हालांकि इसके अंदर कुछ होल्डिंग्स ऐसी है जो एक महीने पहले की है, तो आप 5K ना मान के आप इसको 4K भी मान सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको देखना है तो 4K मान सकते हैं कि 4000 रुपया एक महीने में बचा है। तो दोस्तों देख लेते हैं किन किन स्टॉक्स में कितना कितना मुनाफा बुक किया गया है। तो अगर आप यहाँ देखें भारतीय एयरटेल में बुक किया गया 300 रुपये कुछ का, CPSE ETF अभी बुक नहीं किया है, अभी अनरियलाइज्ड है, SDFC में बुक करा गया है प्रॉफिट और SDFC बैंक में किया गया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी अनरियलाइज्ड है, अभी बुक नहीं हुआ है मुनाफा। अभी जो NV20 का ETF है, निफ्टी वैल्यू 20 का ETF है, उसमें लगभग 950 का प्रॉफिट हुआ, जैसे 1000 रुपये आएगा जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एग्जिट करूंगा। और ITC इसका भी 200 टारगेट आने वाला है। और अगर हम बात करें और स्टॉक्स की तो यहाँ पर और देख लेते हैं, जूनियर 20 देख लीजिए, अभी कोई खास मुनाफा नहीं आया, जैसे मैंने बात करी थी इसकी भी 200 बात करी थी, खास मुनाफा नहीं आया, LNT लॉस में चल रहा है, और ONGC में काफ़ी मुनाफा मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, रिलायंस में भी ऑलरेडी मैं काफ़ी मुनाफा बुक कर चुका हूँ जैसे मैंने आपको बात करी थी पहले, और SBI ETF क्वालिटी में देखिए कमाल का 600 रुपये का मुनाफा अभी ऑलरेडी आया हुआ है और अभी बुक नहीं किया गया है, ये भी जल्दी बुक हो जाएगा। SBI में मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ आपको बड़े स्टॉक्स को, क्वालिटी स्टॉक्स को किस तरीके से वैल्यू प्राइस पर खरीदा जाए, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि जिस बेसिस पे ये सिलेक्शन हुआ है स्टॉक्स का। और जो निफ्टी 50 है उसमें 400 का मुनाफा भी आ रहा है ऑलरेडी, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 350 का मुनाफा आ रहा है ETF के अंदर ही। तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो मुझे ज़्यादातर मुनाफा ना ये जो इंडेक्स है यानी जो ETF है इंडेक्स के, उनमें ज़्यादा मुनाफा आपको दिख रहा है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, और आधे आपको ETF ही मिलेंगे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो मुझे ट्रेडिंग के अंदर फ्रूटफुल रखते हैं, क्योंकि अगर ये डाउन भी हो जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक ना एक दिन पड़ जाएंगे। तो ये दोस्तों था मेरा पोर्टफोलियो। TCS देख लीजिए, TCS के अंदर तकरीबन 8% का प्रॉफिट पिछले एक महीने का आपको स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट के हिसाब से आप देखिए कि इतना मुनाफा ऑलरेडी आ चुका है। तो दोस्तों अगर हम एक दो स्टॉक्स को छोड़ दें, SDFC बैंक और साथ में अगर हम LNT को छोड़ दें, तो लगभग काफ़ी स्टॉक्स के अंदर आपको मुनाफा दिखाई दे रहा है और यही चाहिए। और अगर हम बात करें कि कितना पैसा इन्वेस्टेड था और कितना परसेंटेज हम ले पाए, तो इन्वेस्टमेंट देख लीजिए यहाँ पर अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट है 95,000 की, 18,000 रुपये अभी रिजर्व रखा है, तो आप मान लीजिए तकरीबन 110,000, तो 110,000 लगाकर 4,000 रुपये भी अगर महीने में बचा रहे, देखिए 4,000 छोड़ दीजिए, हम मान लेते हैं कि 3,000 रुपये भी महीने की एवरेज ले आते हैं, 3,000 रुपये करके साल भर में 36,000 रुपये हो जाता है, तो 36% का भी रिटर्न मिल जाए, 40% रिटर्न मिल जाए, तो बहुत 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 ज़्यादा है। ये था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।